चल मैंने नंदन घिसले चंदन, है ना। चलो अब इस प्रकार से जैसे जनऊ पहनते ना चंदन से, ओम ब्रह्म यज्ञ पवितम अवधारयामी, आपके नियम देने जा रहा हूं, आपको रात्रि भोजन नहीं करना है, चारों प्रकार का आहार का त्याग, बाजार की बनी हुई कोई भी वस्तु चाट पकौड़ी मिठाई आदि नहीं खाओगे, कंदमूल जमी कंद नहीं खाओगे, ठीक है। एक टाइम का भोजन कर लोगे या दो टाइम का रखना है? एक मिनट सर, वो बाद में बात का विषय है, बाद में करूंगा रिजल्ट पूछो बाद में। भैया ये मैंने एक तो पंखा पहले हटवा दो किसी से, वो बार बार आके आ रहा है, ठीक है ना। आप लोगों की भोजन की व्यवस्था यहीं पे ही रहे, शाम को पानी की व्यवस्था यहीं पे क्या चलते हैं सब, क्या है। शाम को यदि आप लोग पानी वगैरह लेंगे, देखिए पहले सुन लें आप लोग मेरी बात, जिसकी दवाई का चक्कर बैठता है तो आप लोग थोड़ी दवाई अपना ऐसा कर लें जो कि आपको दिन छिपने से पहले ले लें। जिनको कोई दवाई लेनी पड़ती है उनको दवाई लेनी ज़रूरी है, तो दिन छिपे से पहले थोड़ा सा ले लें, ठीक है ना, क्योंकि आपको दिन छिपने के बाद नहीं लेना है। थोड़ी सी मर्यादा हम बना के रखें, यदि आप लोगों का समय चल सकता है कि हम दूध फल वगैरह से अपना काम चला लेंगे तो उससे चला लें, और यदि किसी की ज़्यादा ही मजबूरी है कि वो नहीं कर सकता तो वो आपको भोजन भी क्या करना है, बैठ के ही लेना है, चाहे सुबह हो या शाम हो। आप लोग ऐसे नहीं कि हाथ में ले लिया चलते रह जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं फिर और ले लिया फिर बैठ गए, ऐसे नहीं करना है। आपको एक जगह बैठना है, परसने वाले अपना परसेंगे, सभी के लिए है ये, जितने भी इंद्र और इंद्रानियां हैं। आपको बेटा किसका है बच्चा, ये बार बार उसको बीच में नहीं बुलाओ, तो आपको भोजन तो एक समय लेना है, यदि आपका चल सकता है, यदि नहीं चल सकता तो शाम को भी आप थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन दिन छिपे के बाद। और हाँ, ब्रिसलरी की बोतल वगैरह का पानी नहीं पिएंगे, ध्यान रखना। कोई भी इंद्र कोई भी इंद्राणी, कहीं कहीं देखा जाता है कि बिस्लरी की बोतल खोली घर में पी गए, बिस्लरी का पानी नहीं चलेगा, सुन रहे हो सब लोग, बिस्लरी का पानी नहीं चलेगा। आपका बोरिंग का पानी है, आपके किसी के घर पे नहीं है तो मंदिर से ले जाए। वैसे तो सुबह और शाम की यदि आप लोग सब शाम को भी आएंगे तो शाम को व्यवस्था आपके यहाँ पे हो जाएगी, और यदि नहीं आ सकते तो अपने घर पे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुबह के टाइम यहाँ पे कर लो, शाम के टाइम घर पे कर लो अपने। कायदे में आरो कभी नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी बिस्लरी का आपको पीना नहीं है, आरो का थोड़ा सा हम पहले माता जी से पूछ लेंगे उसके बाद बताएंगे, पानी के बारे में कौन सा आपको पानी पीना है थोड़ा सा माता जी से जिक्र कर लेंगे फिर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए विनय पाठ निकाल ले अपने अपने पुस्तक में, पेज नंबर 73। सम्यक भक्ति भाव से योग त्रिसिरनाय, फिर बाबा ईश है मन मंदिर पर राय, तीन लोग सिरकाज हो कारण कर दिहाय, आप गुणों के हो नहीं तो भी तो महारा, धर्म गाजिया गाज कर केवल ज्ञान जगाय, बाब कमर भक्त किए केवल रेत्रताय, सावशन शोभित भो विभव वचनाती, बिन बोली वाणी की नहीं अत्र विश्वनी, मुद्रा लग में क्या मदी सत्र होती है, इतरा फिर प्रेम से जुड़ जाता है शीश, समझे सभी स्वरूप को ना हो वेद विरोध, नमस्कार ही आपका भक्ता कली विरोध, प्रेम खाली भाव मुक्त हो मुक्ति कष्ट गिरे, ब्रह्म विष्णु परम ने आप ही देव महे, भक्ति भाव पूजन करी निर्गुण बैठा भाव, सर्वद गलो भव नहीं केवल जाओ तो, विद्याश्वत परे पुष्पांजलि चमामी नोवा नमोकार। नमो अरिहंतणम नमो सेतानम नमो अरियणम नमो उगजयणम नमो लोहिताहोरम ओम वेत्रीयन निवृतम परपुष्पाजलि चिपा चकारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम जीवनि पढ़तु नमो मंगलम हरिरु पुत्रमा अरिहंतालु पुत्रमा सिद्धालु पुत्रमा साहुलु पुत्रमा जीवनि पढ़तु नमोलु पुत्रमा चकारि शरणम पवलजा अरिहंति शरणम पवलजा सिद्धि शरणम ऐसो पैसे नमो यारो सब
मूर्ति का पर पुष्पांजलि चपाली गर्भ जन्म तप ज्ञान से कल्याण तीर्थंकर पद पूज हो पदनी को भगवान गर्भ जन्म तप जन्म प्राप्त हरिम नर्व पामे प्रपत्र गंधर्व पामे चंदन तंदुल किसी बच्ची है कोई बात नहीं, मैंने बच्चे पर नहीं बच्चे बन गई कहा है। ओम नीम गुरुदेव शांति सागर जी सूर्य सागर जी विजय सागर जी धोल सागर जी समस्त सागर जी आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत विद्या सागर विशुद्ध सागर मंचण में अनक प्रभक्त रगम नर्व पामे उदर चंदन कंदल पुष्प गंचर सुधे पुष्पो पपरार गए अवर मंगल कांदल बात ले हिद्र वही गुरु माता जी हम ये दे ओम रिम प्रम पुछ गुरु मैं स्वर दृष्टि गुरु मदे चला अनक प्रभक्त रगम नर्व पामे एक महत्वपूर्ण कार्य है अभी यहाँ पर आपने मंडप पर ठोना स्थापना करा था, ठीक है ना। मैंने कहा था मेरे को दो ठोने चाहिए, तो एक ठोना आ पाया, अभी दूसरा ठोना यहाँ पर अभी नहीं है। मुझे लगता कि आपके पास दूसरा ठोना है भी नहीं, नहीं है ना। देखिए आज ही चाहिए, और यदि कोई परिवार अपनी तरफ से बड़ा ठोना चाहिए, इससे थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा बड़ा, देख के आज ही ले आना। आज तो मैं वैसे ही स्थापना प्रधान जी का है हमारे एस एल जैन साहब, चलो उनसे बोल देना आज एक ठोने की आवश्यकता है, तो वो आज लेकर के ले आएंगे। वो हमारे महेश जी जो शोधन बरेल हैं, इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, वो चांदी का ठोना अपने तरफ से यहाँ पर मंदिर में देंगे। आज तो वैसे ही रख लो, कोई शीतल वाला रख लो, तो कल को उसी के अंदर रख देना उसको। अरे अरे अभी तो सुबह देता शर्मा विनायक ऋषि गण कौन ज्ञाता नवदीप दान मन से शुभ भाव भाहो नेत्र विभाव जिनकी पूजा रचाहो हे देवी संत गुरु मंगल में हमारे त्रिलोक पूज परमेश जी सुहे सहारे हो पूज मंगल ऋषि वर लोक राजे आत्मीय मंगल विभो भव विघ्न भाजे। अनिल जी आ गए, अनिल जी बोले लेट आए हो क्या बात, हो मेरम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हाँ, 2400 भगवान को पुष्प चिपड़ करेंगे। बोलो भैया ये आदि प्रभु अखिल विश्व कल्याण हो शांति सुख भरपूर स्वस्ति पाठ स्वस्ति करी स्वस्ति शिव नहीं दूर। आइए स्वस्ति मंगल पाठ करें। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम स्वस्ति स्वस्ति सुपाशु चंद शोभित श्रीपद देय वासु स्वस्ति स्वस्ति विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अरह स्वस्ति स्वस्ति मणि मणि सौगत धमिनी पाशु वीर स्वस्ति स्वस्ति पौष्टि बीज आदि स्वस्ति हे दिव्य सकल स्वस्ति स्वस्ति देव धर्म गुरु जन स्वस्ति दिनवाणी स्वस्ति स्वस्ति पाचो कल्याणक स्वस्ति दिव्य चित्त स्वस्ति स्वस्ति लोकोत्तम चेताय स्वस्ति सर्वति चित्त स्वस्ति स्वस्ति श्री परम सत्य परम प्रभु पंडित चिपामी।
श्री शंकर कल्याण अवतारे धर्म देव नव भव सहारे देव सात गुरु है अवतारे जगत पोज जो मुक्ति विहारे तारण करण भव्य उपदेशी मुक्त सुगुण सनमति की देशी योग कैसे तुम्हें बुलाओ मन मंदिर शासन बदलाओ आह्वान वर भक्ति से कृष्ण कूच महाराज हृदय कमल आसन कहो सिद्ध करो सब तारा ओम श्री मूलाक्ष दिना जिन से चलते रतन फिर दर्शन मात्र समो सटावान अत्र कृष्ण कृष्ण ठेठे स्थापनम जय अत्र मम सन्निहित भव वसत सन्दीकणम जय। जो देखिए जब आपकी स्थापना होती है तो जो उठ सकते हैं वो उठकर स्थापना करें, जिनकी बिल्कुल ही मजबूरी है जो नहीं उठ सकते वो बैठे बैठे कर लें, लेकिन स्थापना खड़े हो गई करें, ठीक है ना। चलिए भैया निश्चय सी जन बदन मल हो सुकर्मो का पुण्यानि सहार अवस्था जन्म मैं तुम शांति सुधार सिया तीर्थंकर सब नव देव रतन कल्याणक तीर्थ भूमि जाओ हे देव सास गुरु जगत को निर्मल जन सुख पाओ चंदन से शीतल अमर रो हरियाई करति तेजा पुत हो अनुभव की नाना निज सरो होती शंकर सब नभ दीप रतन कल्याणक तीर्थ भूमि जाओ हे तीर्थ सास गुरु जगत को गुण चंदन दलिय सुख पाओ ओम रिमरम साथी कंकन नाव दे रत्न कल्याण तीर्थ भूमि दे सात्र गुणवा जना नहीं देव उदाना होती शंकर सब नभ देव रतन कल्याणक तीर्थ भूमि जाओ हे देव सास गुरु जगत पूज अक्षत से जज यस सुख पाओ अनुभव बगिया में आ जाए होती शंकर सब नव दीप रतन कल्याणक तीर्थ भूमि जाओ हे देव सास गुरु जगत को गुण पुष्पो सी जज सुख पाओ ओम मयूरम सब दिग मूल नगाजनाथ नव देव सतन कल्याण तिथि भूमि दे सत्र ब्रह्मा मोहन कलनाथ न दीपम निरुपामे कल्याणक तीर्थ भूमि जाओ
शास्त्र गुरु जगत आदिनाथ गुणमाला गुरुदेव की विश पूज मनता शंकर गुण गरिमा काबू पार कोई पार तकना जैसे हटा सिंधु को कर त्रिपल पार में क्या करना वर्ष मान 24 जन्म ना विश्वाद महावीर गुरु इनकी गुण गरिमा वे भगता पार न पार स्वयं विभू विशत कोना कोड़ समय का कल्प काल एक होता है कैसे वे दिन बाय दिन दो में उदावा गम जोता है अरत चीज अन ऐरा बदनी पार कुछ चलन कारी चीज चीज में नहीं परिवर्तन चौथा काल स्वाता है चीज विधि चीत विधि ही विद्यमान विधि कर कर विचति मानी साथ अधीक्षक हो सकती अब तक गिनती को जाने अरे हंतो गुण गरिमा का भू यश देवो नीताया है सिद्ध प्रभो से थाने राज आचार्यो यशाया है पाठक साधु ज्ञान ध्यान अब बलवानी चाहते हैं कर्म मूर्ति मंदिर जिनवान तब देहो भी भाते हैं वस्तु स्वभाव रखते निज गुण कल्याण पथ जाते हैं ईंधन कर में सिद्ध चीत अशय चीत स्वाते पूज गुणी जन गुण चिंतन से गुण तभी अभिदा ले जाती अश्कीर की अनुपुण्य पता का तो खतरे में पहराती वक्त तक जिन चार पाद का सार समन में आ जाता तदस भवन नित्य बंदे पर वैराग जल जाता वो नित्य नहीं कोई जल्दी पर निश्चित सबको मरना है अशुभोदय से इस जग की पर कोई न दिखता शरणा है कृष्णा निस्संकार जगत में किंचित सुख नहीं मिल सकता जन्म मरण जो इकला भक्ति न जुड़ाते मिल सकता अन्य किसी का तो क्या कहना तेरी न साथ निभाएगी असुचि दुर्गंधि यह काया यही पड़ी रह जाएगी पुण्य पाप और राग देव से आज दुर्गंध स्वाता है काम भाव में संपक संपर किंचित भी नहीं बाता है तब फल सी वसु कर्म निर्जरा मुक्ति सी की आली है करता